नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर में करीब 3 घंटे जमकर हुई बरसात, 81 mm बरसा पानी, सड़कें बनी दरिया। पिछले कई दिन से धौलपुर में भारी उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग पसीने पसीने हो रहे थे, लेकिन बुधवार को करीब 3 बजे भारी बरसात का दौर चला, जिससे धौलपुर शहर की सड़कें दरिया बन गईं। वहीं लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। इस दौरान बीच में करीब आधा घंटे बरसात बंद भी रही। बरसात का दौर दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ, जो शाम करीब 6:45 तक चला। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पवेंद्र मीणा ने बताया कि इस दौरान धौलपुर में 81 mm बारिश हुई, वहीं वसेड़ी में 14, सेंपू में 31 mm बरसात दर्ज की गई। मीणा ने बताया कि वाड़ी और राजाखेड़ा में हल्की बूंदाबांदी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से गंभीर घायल हुए रमगढ़ा स्कूल के छात्र की इलाज के दौरान मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के रमगढ़ा गांव के पास मंगलवार दोपहर को ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया था, जिसमें करीब 1.5 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हुए थे, जिनमें से गंभीर घायल एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान रमगढ़ा स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले पीपरीपुरा गांव निवासी 15 वर्षीय छात्र शुभम पुत्र राम प्रकाश की मौत हुई है, जिससे परिजनों में मातम पसर गया है। मौके पर पहुंचे ASI सत्यप्रकाश शर्मा ने मृतक के शव को बसई नवाब अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पुलिस ने पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रमगढ़ा से छुट्टी होने के बाद विद्यार्थी अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन विद्यार्थी रास्ते से गुजर रहे एक खाली ट्रैक्टर में सवार हो गए थे, तभी अचानक पीपरीपुरा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क से नीचे एक पेड़ से जाकर टकरा गया तथा उसकी ट्रॉली पलट गई, जिससे करीब 1.5 दर्जन विद्यार्थी घायल हो गए थे, जिसमें से छात्र शुभम की हालत गंभीर होने पर परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए थे, जहां से रेफर कर देने के बाद आगरा ले जा रहे थे, जिसकी रास्ते में मौत हो गई है। सखवारा चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई नरेंद्र पुत्र राम प्रकाश निवासी पीपुरी पुराने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि उसका छोटा भाई शुभम रमगढ़ा विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र था। मंगलवार को वह विद्यालय में पढ़ने के बाद छुट्टी होने पर गांव के अन्य छात्र छात्राओं के साथ लौट रहा था, तभी सभी छात्र छात्राएं गांव के लिए जा रहे थे और एक ट्रैक्टर में सवार हो गए। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से तेज गति से चलाते हुए गाँव के ही पास ट्रैक्टर को पलट दिया। इस दरमियान ट्रैक्टर में सवार करीब 1.5 दर्जन छात्र छात्राएं घायल हो गए थे, जिसमें 15 वर्षीय शुभम को उपचार के लिए धौलपुर से आगरा ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया है। थाना प्रभारी नरेश पोषवाल ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घर के बाहर खेल रहे बालक की सर्प के काटने से मौत। बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरोली के गांव राम सहाय का नगला में जहरीले सर्प के काटने से एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक 8 वर्षीय बालक नितिन पुत्र राजपाल कुशवाहा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसे जहरीले सर्प ने काट लिया। इसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को वापस ले गए। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। 3 वर्ष पहले हुई थी शादी। बसई नवाब कस्बे के समीप स्थित पिपहेरा गांव में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हुई है। महिला का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सैपो DSP विजय कुमार सिंह, कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल एवं बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजबीर मीणा मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर
बसई नवाब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक करीब 24 वर्षीय महिला नीतू की 3 वर्ष पूर्व ही राम अवतार प्रजापति के साथ शादी हुई थी, जिसका शव उसकी ही साड़ी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। फिलहाल महिला की मौत को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के उमरेट पिनाहट निवासी पीहर पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने कहा कि पीहर पक्ष की तहरीर के आधार पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20/7/2022 को सुबह जरिए टीपी कंट्रोल सूचना मिली कि ग्राम पिपेरा के अंदर एक लेडीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मैं जब रवाना होकर पिपेरा पहुंचा, जहां एक लेडीज अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया था, उसको उसकी बॉडी को लाके सीएससी मोर्चे में रखवाया जाकर केवर कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तरफ से फांसी लगाकर आत्महत्या की रिपोर्ट बताया। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किस्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नई ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारे हॉप इलेक्ट्रिक सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम। स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह। हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर, 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुद्गल इंग्लिश मीडियम 96%, सानिया शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही। तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं। संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त करने का किया प्रयास। बाड़ी शहर के किरी मोहल्ला निवासी एक विवाहिता महिला ने बुधवार को फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी बड़ी बहन पहुंच गई, जिसने उसे बचा लिया। फांसी लगने से बेसुध हुई महिला को फिलहाल सामान्य अस्पताल बाड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना बाइट की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं महिला के पीहर पक्ष के बसेड़ी उपखंड के चोरपुरा गांव निवासी हाकिम सिंह पुत्र गंगाराम जाटव ने बताया कि उसने अपनी 2 बेटियों की शादी कुछ वर्ष पहले बाड़ी के किरी मोहल्ला निवासी राम भरोसी के बेटे राजवीर और राजेश से की थी। शादी में यथा योग ससुराल पक्ष को दान दहेज भी दिया था, लेकिन राम भरोसी के परिवार द्वारा उनकी बेटियों को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। बड़ी बेटी अनीता और छोटी बेटी सविता दोनों ने उनसे इसकी शिकायत भी की थी। बेटियों ने बताया कि परिवार वाले कभी 1 लाख, कभी 2 लाख और कभी मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं।
नहीं देने पर दोनों बेटियों की किसी न किसी बहाने से मारपीट की जाती है। ऐसे में वे जैसे तैसे रिश्तेदारों और समाज के लोगों से समझाइश कर मामले को शांत बनाए हुए थे, लेकिन आज जानकारी मिली कि उनकी छोटी बेटी सविता ने फांसी पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का प्रयास किया है। इस पर वे अस्पताल पहुंचे, जहां बेटी बेसुध पड़ी हुई मिली। बड़ी बेटी अनीता ने बताया कि वो किसी काम से सविता के कमरे में गई थी तो सविता फांसी के फंदे पर झूल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंचकर उसने उसकी जान बचा ली। घटना को लेकर कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी के साथ मौका पर्चा भी तैयार किया है। फिलहाल पीड़ित पक्ष द्वारा अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। सरमथरा उपखंड के ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। सरमथरा उपखंड के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को 33 केवी लाइन वरोली व आंगई में आवश्यक रखरखाव व मेंटेनेंस के चलते विद्युत आपूर्ति प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान इन दोनों लाइन से निकलने वाले 11 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति भी बाधित रहेगी। यह जानकारी कनिष्ठ अभियंता एसटीएम हरिओम शर्मा ने दी। अधिकारियों व राजनीतिक दलों के लोगों ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उनके द्वारा ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेयर हाउस स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रख रखाव, सीसीटीवी कैमरे, अग्नि से सुरक्षा, परिसर की सुरक्षा सहित सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बिंदुओं के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, प्रवक्ता धनेश जैन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, बसपा से दिनेश सिंगोरिया सहित अन्य उपस्थित रहे। वर्कशॉप में बताए अचेत हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के तरीके। भारतीय शिशु अकादमी धौलपुर एवं रोटरी क्लब धौलपुर ने बुधवार को जिला चिकित्सालय धौलपुर के MCH कॉन्फ्रेंस हॉल में CPR वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि जब व्यक्ति बेहोश हो जाए या अचेत अवस्था में कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, तब सबसे निकटतम व्यक्ति उसको किस तरह से पुनर्जीवन यानी कि CPR देकर जीवित कर सकता है। यह जानकारी इस वर्कशॉप के द्वारा दी गई। वर्कशॉप में बताया गया कि हमारे देश में 2% से भी कम लोग इस विधा को जानते हैं और यही कारण है कि कई बार बस में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, सड़क पर बेहोश और अचेत व्यक्ति को आम आदमी नहीं बचा पाते हैं। भारतीय शिशु अकादमी धौलपुर के सचिव डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि वह इस तरह के वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम आगामी दिनों में आम आदमी के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी आयोजित करेंगे। इस दौरान जिला अस्पताल धौलपुर के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह, डॉक्टर हरिओम और डॉक्टर विजय सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्कशॉप में रेजिडेंट चिकित्सक, नर्सिंग अधीक्षक, नर्स प्रभारी, एडवोकेट अतुल भार्गव, रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु अग्रवाल, सेक्रेटरी प्रिया त्यागी, डॉक्टर VD व्यास, डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर RD गर्ग, डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, डॉक्टर विजय सिंगल आदि ने भी भाग लिया। आज दिनांक 20 जुलाई को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स धौलपुर ब्रांच ने रोटरी क्लब धौलपुर के सौजन्य से एक CPR वर्कशॉप का आयोजन किया।
जिसमें कि हम लोगों ने ये बताया कि किस तरह से बेहोश या अचेत अवस्था में कोई व्यक्ति अगर सडनली मिलता है तो उसको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है, उसको किस तरह से चेस्ट कंप्रेशंस देकर और कृत्रिम सांस देकर बचाया जा सकता है। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली AC व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण, यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है, प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। CBSE नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका CBSE एफिलिएशन क्रमांक है 173119, प्राचार्य प्रवीण त्यागी। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सके। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। रजनीकांता कुशवाहा बनी फुले आरक्षण संघर्ष समिति महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। फुले आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को धौलपुर शहर में कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर हुई। मीटिंग का आयोजन भागीरथ सिंह कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान उमेदी लाल कुशवाहा रहे। बैठक में डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा की पत्नी रजनीकांता कुशवाहा को फुले आरक्षण संघर्ष समिति की महिला प्रकोष्ठ राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, जिस पर रजनीकांता कुशवाहा का हर प्यारी कुशवाहा महिला प्रदेश कल्याणकारी सदस्य ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा का भी माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी मीटिंग 28 जुलाई को हिना रिसोर्ट सैपो रोड धौलपुर में की जाएगी। बैठक में समाज सेवी गोरेलाल कुशवाहा, श्रीराम कुशवाहा, मुरारीलाल कुशवाहा, जगदीश प्रसाद कुशवाहा, सैपो सरपंच अर्जुन सिंह कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। संचालन समिति के जिला अध्यक्ष ठाकुर दास कुशवाहा पूर्व सरपंच तोर ने किया। निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए प्रपत्रों में संशोधन के संबंध में बैठक आयोजित। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए प्रपत्रों में संशोधन 4 अहर्ता तिथियों, मतदाताओं के आधार डेटा के संग्रहण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, NGO, मीडिया कर्मियों के साथ बैठक का आयोजन धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट धौलपुर में किया गया। उन्होंने बताया कि समस्त मतदान केंद्रों पर 4 सितंबर व 18 सितंबर 2022 को मतदाताओं की आधार संख्या एकत्रित करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंटों की सूची उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि आम नागरिक एवं मतदाता ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होने पर दूरभाष नंबर 05642
220007 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाए जाएंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, रिटर्निंग अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, राधेश्याम मीणा, देवी सिंह, सुभाष यादव एवं राजनीतिक दलों से कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा एवं प्रवक्ता धनेश जैन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, बसपा से दिनेश सिंगोरिया सहित मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने मनाया बैंक का 115वां स्थापना दिवस। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सरमथरा में बुधवार को बैंक का 115वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शाखा में विशेष रूप से सजावट की गई। शाखा प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि शाखा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे द्वारा शाखा में आने वाले ग्राहकों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और स्टाफ के द्वारा ग्राहकों का अभिवादन किया गया। साथ ही बैंक के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी ग्राहकों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक संतोष कुमार, अजय बंसल, विकास, अरुण, ब्रजेश कुमार, रवि कुमार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। मनिया से मानसिक विक्षिप्त महिला को भिजवाया अपना घर भरतपुर। अपना घर सेवा समिति बाड़ी की टीम ने बुधवार को एक मानसिक विक्षिप्त महिला को अपना घर सेवा समिति भरतपुर भिजवाया है। समिति के सचिव संतोष कौशिक ने बताया कि मनिया डीएसपी दीपक खंडेलवाल ने सूचना दी कि एक मानसिक विक्षिप्त महिला हाईवे पर घूम रही है और लोगों पर पत्थर फेंक रही है। इस मौके पर पहुंचकर महिला को अपना घर भरतपुर भिजवाया गया है। श्रीमान सीओ साहब दीपक खंडेलवाल जी ने सूचना दी कि मनिया हाईवे पर एक लावारिस अधेड़ उम्र की महिला घूम रही है। उक्त महिला मंदबुद्धि भी पाई गई और कुछ महिला राहगीरों पर, वाहन वालों पर पत्थर फेंक रही थी। मनिया सेवा समिति, अपनागर सेवा समिति मनिया के सदस्य विमल गोयल और संतोष कौशिक में उस महिला को पुलिस के सहयोग से महिला एंड हेड कांस्टेबल आशा के साथ अपनागर आश्रम भरतपुर भिजवा दिया उक्त महिला को। धौलपुर प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल विच हैव बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न टेक्निक, ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्टेकुलर क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड वेलिकेट लैब्स, डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट, एनसीसी एंड स्काउट्स फैसिलिटी। EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School. Equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित, सभी संकायों में प्रवेश प्रारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे जेल रोड धौलपुर। भागवत सप्ताह के छठवें दिन सुनाई गोवर्धन पर्वत की महिमा की कथा। बसेड़ी क्षेत्र के नहर कोठी पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा के छठवें दिन में गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। कथावाचक केशव देव शास्त्री द्वारा गोवर्धन पर्वत की महिमा को समझाते हुए कहा कि यह पवित्र पर्वत त्रेता युग से ही विराजमान है।
इसकी पूजा करने से चार धाम की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही कहा कि ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए इंद्र ने तेज आंधी और बारिश शुरू कर दी, इससे सभी लोग परेशान हो और कृष्ण को कोसने लगे। बचाव की सारी व्यवस्थाएं फेल होने पर भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की। इसे उन्होंने लोगों को सामूहिकता से हर समस्या के समाधान का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह सहित अन्य जनों द्वारा कथा वाचक का स्वागत किया। इस अवसर पर कथा आयोजक रामबाबू पारसर, ब्रजराज सिंह परमार, दीपक सिंह परमार, रामबीर, संदीप परमार, भानु परमार मिर्जापुर, मुकेश चौहान, राम अवतार नेता रवि परमार तुलसीपुरा आदि उपस्थित रहे। सिविल डिफेंस धौलपुर की टीम ने किया कुएं में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। धौलपुर जिले के बसई नवाब इलाके के पपेहरा गांव में कुआं में गाय का बच्चा गिर पड़ा, जिसकी सूचना पर सिविल डिफेंस धौलपुर की टीम मौके पर पहुंची, जिसने सफल रेस्क्यू कर कुएं से गाय के बच्चे को बाहर निकाला। रेस्क्यू कार्य करने वाली टीम में टीम लीडर शंभु सिंह मीणा, अरविंद, दीपक, धनंजय, सुनील, पवन, संदीप, पंकज आदि शामिल हैं। सैपो में भी जमकर बरसे मेघ, सड़कें हुई लबालब। सैपो में पिछले कई दिनों से भारी उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग खासे परेशान थे, लेकिन बुधवार शाम को मौसम का मिजाज बदल गया और जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं गर्मी से तड़प रहे बच्चे बारिश के बाद नहाने लगे और मस्ती करते देखे गए। वहीं फसल के लिए भी ये बारिश बेहद लाभदायक मानी जा रही है। इस बार श्रावण मास में भी इतनी जबरदस्त उमस भरी गर्मी से लोगों के हाल बेहाल थे, लेकिन बरसात के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं जबरदस्त बरसात से सैपो कस्बे की सड़कें दरिया बन गई है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल, आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय चीफ विज्ञान गणित कला वर्ग, कृषि विज्ञान कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे जीटी रोड धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क, एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित।
प्रिंसिपल डीडी चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधेनिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।